सही। आज आप देख रहे हो भाई बलिनों के ऊपर ये क्या रख रखा है मैंने तामझाम। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो है ना अपनी गाड़ी के लिए एक मैंने इन्वर्टर बेड जो है मंगाया है smartmom.in से, और इसकी जो प्राइस है ना वो भी अंडर 2000 रुपीज़ है। तो भाई मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जो है ना आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या जो है आपको मिलता है और कैसे आप कैरी कर सकते हो उसको अपने गाड़ी में और कैसे जो है लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। मैं घूमने जाता हूँ तो भाई मेरे को 6-7 घंटे के बाद नींद आने लग जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब 3-4 घंटे में नींद आने लग जाती है, और जब बिल्कुल प्लेन हाईवे हो तो आपको नींद आएगी ही आएगी जैसे आप 100-150 किलोमीटर चलोगे तब। तो उस चीज़ के लिए जो भाई smartmom.in ने एक बढ़िया सा इन्फ्लेटर बेड जो है अपने लिए बनाया अपनी गाड़ी के लिए, और ये जो ना सभी गाड़ियों के लिए अवेलेबल है। बाकी मैं सही बताऊं तो यूनिवर्सल है, इसको आप किसी भी गाड़ी में फिट कर सकते हो, बट कुछ गाड़ियां जिनमें नहीं होता तो वो जो है आप लाइक उनसे डिस्कस कर सकते हो। इंस्टा पेज जो है मैं नीचे दे दूंगा लिंक उनका, और बाकी वेबसाइट का भी लिंक मैं नीचे दे दूँ, तो आप लोग वहाँ जाके ना चेकआउट जरूर कर लेना एक बार। तो इस छोटे से डब्बे में भाई ये सारा सब कुछ आया था। अब आप बोलोगे भाई वो कैसे, तो आप क्लिक देख सकते हो, तो इस छोटे से डब्बे में आया था और इस बैग में आप इसको कैरी कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि मतलब ये एक जरा सी जगह जो है घेरता है आपकी बूट में, ज़्यादा जो है इसको हार्ड नहीं है कैरी करना, बहुत ईजी है लाइक जो है कैरी करना। तो वो जो है चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि इसको कैरी करना भी जो है काफ़ी इजी है। अभी जो है ना मैंने इस पे जो है एक लाइक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, आपने देखी होगी, तो उस चक्कर में मैंने जो है ना इसको लाइक इसको भी जो है फुला दिया है, इसको भी फुला दिया था, बट इसकी हवा जो अभी निकल गई है। और दो पिलोज भी जो है मेरे साथ में है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना भाई आप देख सकते हो ये जो इसके पिलोज हैं, इनमें भी थोड़ी हवा कम हो गई है, और एक और ही है। तो ये चार चीज़ें आती है, आप सोच रहे होंगे ना, बट नहीं ये नहीं है। इसके साथ में एक एयर पंप भी जो है फ्री आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो अपना 12 वोल्ट के शॉकेट में लग जाता है, इसको ना ऑन करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है नीचे, देख सकते हो। जैसे ही मैं इस पर करता हूँ लाइक क्लिक, तो ये ऑन हो जाएगा जब मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी तब। तो ये देखो इसमें जो ना ऊपर आपको ये दिख रही होंगी लाइक कैप्स जो है मिलती है, तो ये कैप जो है ना बेसिकली आपके पिलोज में हवा डालने के लिए है। बाकी जो इन दोनों के लिए आप हटा देते हो, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से जो आप डायरेक्टली इसके जो ये बड़ा सा पार्ट दिख रहा है इस पे, और जो है बेड में हवा डाल सकते हो। ना दिखाता हूँ अभी कि भाई गाड़ी में कैसे फिट करते हैं। अनबॉक्सिंग वगैरह जो है ना मैंने ऑलरेडी रील में कर दी थी, तो यार ज्यादा टाइम जो है मैं वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। तो सबसे पहले ये जो आपको पार्ट मिलता है ना, इसको आप लगाओगे अपनी गाड़ी के दोनों सीटों के बीच में, मतलब जहाँ लेग रूम होता है वहां पे। तो देखते हैं कैसे लगा। ये रहा अपने पास भाई इसका बीच का पार्ट, तो चलिए लगाते हैं इसको। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, ये जो है बेसिकली यहाँ लग जाएगा, आप इसको जो है यहाँ रख सकते हो ताकि आपका बेड जो है ना नीचे ना जाए जब आप उसके ऊपर रेस्ट करो तब। चलिए दूसरी चीज दिखाता हूँ आपको। अब दूसरी चीज क्या है ना, मेन अपना बेड ही है, अब इसमें पहले हवा डाल लेते हैं अपन। तो गाइस यहाँ पे जो है ना मैंने बेड रख दिया, और इसकी जो है भाई अभी हवा डाल लेते हैं, मतलब हवा का जो है ना इधर दिया है इसमें कहीं, तो देखते हैं कहाँ पे। तो इस साइड में है, और अपना पंप जो है ना वो भी काफी लंबी वायर के साथ में जो है आता है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ पहुंचता है कि नहीं पीछे तक। तो आराम से पीछे तक आ रहा है, जिनकी गाड़ियों में पीछे नहीं होता ना भाई उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो इसको लगा के और फिर ऑन करते हैं, और फिर दिखाता हूँ कितनी जल्दी इसमें हवा फिल होती है। तो गाड़ी को ऑन करता हूँ पहले। सो गाइस इधर जो है ना मैं गाड़ी को ऑन करूंगा, और उधर देखना आप एकदम से, ये देखो कितनी जल्दी हवा फिल कर रहा है इसके अंदर, कुछ ही सेकंड लगाएगा ये इसमें। यहाँ पे लग गया अपना बेड, ठीक है, कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। और गाड़ी जो है ना लाइक सीटें जरूरी नहीं है आपकी आ गई लाइक फोल्ड हो, आगे भी दो बंदे आराम से जो है भाई अपना बैठ सकते हैं, फिर रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, और पीछे भी दो बंदे आराम से इसमें लेट सकते हैं यदि पतले पतले हो तो, लेकिन ज्यादा फैटी हुए तो फिर जो आई थिंक एक ही यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो इसके पिलोज और लगा लेते हैं, जो ना पिलो वगैरह लगा दिए। अभी जो है ना देखते हैं कि यदि एक बंदा इसके अंदर लेट सा तो कितना कम्फर्ट रहे। तो भाई अभी जाता हूँ मैं, देखता हूँ, और ये भाई मैं लेट गया इसके अंदर। आई थिंक आपको इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट कंफर्टेबल तो है यार। यदि उस पर आप एक चद्दर वद्दर और बिछा लोगे ना, तो आपको जो है और बढ़िया से जो है मज़ा आ जाएगा। यदि आप सर्दियों में कहीं जा रहे हो तो कंबल इसके ऊपर डाल लो, ठीक है, और एक साइड में आप लगा लो, तो भाई एक नंबर का कंफर्टेबल है। दो बंदे तो आई थिंक यहाँ पे नहीं लेट सकते, बता एक बंदे के लिए भाई काफ़ी सही चीज़ है। तो इसकी जो प्राइस है ना वो 2000 से नीचे नीचे आप लोग खरीद सकते हो उसको smartmom.in से। नीचे जो है मैं आपको परचेज लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाओ खरीदो, और भाई आप भी अपनी राइड को या फिर लॉन्ग ड्राइव को भाई ज़बरदस्त बनाओ इस एक छोटे से प्रोडक्ट की वजह से। कैरी करना भी काफ़ी ईजी, आपने देखा वो स्टार्टिंग में छोटे से बैग में आता है, तो उसको जो ना बूट में रख लो तो काफ़ी सही चीज़ है। तो बताओ मेरे को कैसा लगा। बाकी भाई मेरे को तो काफ़ी सही लगा। तो मिल रही है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू भाई।